राधे राधे मित्रों मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के एपिसोड 1 में देखेंगे कि श्री धामा और नारद श्री कृष्ण से मिलने गोलोक आते रहते हैं। तभी श्री धामा नारद से कहता है, वर्षों पश्चात मन की इच्छा पूर्ण होगी, मेरे प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊँगा। कब वो पल आएगा जब मैं गोलोक पहुँचूँगा? तभी विमान रुक जाती है तो श्री धामा नारद से कहता है, यूँ अचानक विमान क्यों रोक दिया गया? तो नारद श्री धामा से कहता है, क्योंकि हम गोलोक पहुँच गए हैं। तो श्री धामा नारद से कहता है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो नारद कहता है, यहाँ गोलोक है प्रेम और भक्ति का लोक। गोलोक देखने के लिए तो प्रभु का नाम तो लेना ही होगा। तभी श्री धामा श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगता है, फिर भी गोलोक का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो श्री धामा आश्चर्य हो जाता है और नारद से कहता है, ना कोई मार्ग ना ही कोई द्वार। तो नारद कहता है, नाम अधूरा लोगे तो काम कैसे पूरा होगा? यहाँ प्रवेश लेने के लिए श्री कृष्ण के नाम लेने से पहले किसी और का नाम लेना होगा, वो राधा का नाम है। तो श्री धामा आश्चर्य होकर नारद से कहता है, वो तो श्री कृष्ण की प्रेमी है, नहीं ले सकता मैं उसका नाम अपने प्रभु के नाम से पहले। तो नारद कहता है, तो ब्रह्मा जी के उस संदेश का क्या होगा जो तुमने श्री कृष्ण को देने आए हो? तो श्री धामा नारद से कहता है, ब्रह्मा जी का प्रकोप सह सकता हूँ मैं, किंतु मैं अपने प्रभु के नाम से पहले उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। प्रभु के नाम से पहले उसका नाम लेकर मैं अपने प्रभु का अपमान नहीं कर सकता हूँ और मैं ये अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। तो नारद कहता है, विचित्र दुविधा है, चलो मैं ही तुम्हारी ओर से इस द्वार का ताला खोल देता हूँ। फिर नारद राधा कृष्ण का जाप करता है और गौलोक का द्वार खुल जाता है। तभी श्री धामा ये सब देखकर आश्चर्यचकित रहता है। फिर दोनों गौलोक में प्रवेश करते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण का श्रृंगार कर रही होती है, वो भी पंच तत्वों से। तो कृष्ण राधा से कहता है, कृष्ण का श्रृंगार राधा के कष्ट से। तो कृष्ण अपना बांसुरी निकाल कर कहता है, बांसुरी का संगीत राधा के स्पर्श से। फिर राधा बांसुरी पर अपना हुक स्पर्श करती है, फिर बांसुरी से जान आ जाता है। फिर कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं और फिर रासलीला शुरू हो जाता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा रास चल रहा होता है। तभी वहाँ श्री धामा पहुँचता है और राधा को देख कर क्रोधित होने लगता है। तभी नारद जी श्री धामा से कहते हैं, ध्यान से देखो श्री धामा, ये है राधा कृष्ण, ये दोनों अलग नहीं है, दो देह परंतु आत्मा एक है। ये सब देखकर श्री धामा वहाँ से चल जाता है और श्री धामा कहता है, सब माया है जिसने मेरे प्रभु को छला है। तभी वहाँ नारद आता है और कहता है, तो चलो और कह दो अपने प्रभु से। तो श्री धामा कहता है, अवश्य कह दूंगा, बस प्रभु एक बार मिलने का अवसर तो दें। तो नारद कहता है, श्री कृष्ण तो सबको एक अवसर अवश्य देते हैं, प्रभु ने तुम्हें उनसे भेंट करने के लिए बुलाया है। तो श्री धामा खुश होकर कहता है, कहाँ? तो नारद कहता है, धारा के पास। तो श्री धामा गुस्सा से देखने लगता है।